see her, and yeah, that shit go phone. Rather die than my bitch, see the phone tone. आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए एक स्पेशल मैजिक ट्रिक्स लेकर आया हूँ रोज डे के लिए। तो अगर आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो आप भी इस मैजिक को उसको दिखाकर इम्प्रेस कर सकते हैं, और अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप ऐसे भी लोगों के साथ दिखाकर भी इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, हम इस मैजिक को सिखाएंगे भी कि आप इस मैजिक को कैसे उन लोगों के सामने दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इस मैजिक को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो किस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। तो देखिए, इस मैजिक को करने के लिए आपको जो चाहिए वह है एक गुलाब। आप चाहे तो असली गुलाब ले सकते हैं या जैसे मार्केट में मिल जाते हैं वो गुलाब भी ले सकते हैं, बट हमारे पास जो गुलाब है यह है मैजिकल गुलाब। आप चाहे तो हमारे मैजिक शॉप से भी मंगा सकते हैं, गुलाब आपको मिल जाएगा। और हमारे पास और कुछ सामान है, जैसे कि आर्ट पेपर आप देख सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है और एक बड़ा सा लिया है, जैसे कि आपने मैजिक पे देखा होगा। सो इसका जो हाइट है वो कैसा लेना है, आप जिस तरीके का आप गुलाब यूज़ करेंगे या कुछ दूसरा चीज़ भी आप निकाल के दिखा सकते हैं। तो जैसे कि गुलाब का जो साइज़ है उसके हिसाब से हमने कागज़ ले लिया, चाहे तो आप थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं अपने हाइट में, और लंबा इमेज जो है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बट मेरे पास अभी स्केल वगैरह तो कुछ है नहीं, बट मैं आपको हाथ के इशारे से दिखा सकता हूँ कितना बड़ा कागज़ हमने लिया है। ओके, आप देख सकते हैं कितना बड़ा कागज़ है, ये देख लीजिए। ओके, जस्ट इतना भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इससे भी थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं। और ये जो है, इस कागज़ का हमने किस लिए लिया मैं बता दूँ, इसके अंदर हमें इसको डाल के रखना पड़ता है, यानी कि जब हम इसको बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो ये है जो है, ये कागज़ का हम इस तरीके से ऑफ करेंगे ग्लू लगा के, और इसको एक पाइप जैसा बनाएंगे। ओके, ऐसे। और इसको पाइप बनाने के लिए और इस कागज़ को इसके साथ लगाने के लिए, चिपकाने के लिए, आप चाहे तो फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं या फेविस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो आप डबल साइड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर जो मुझे लगता है वो है फेविकॉल। तो सबसे पहले जो हमने बनाया वो है एक रोल बनाया, यानी कि पाइप जैसा बना लिया है। तो आपको सबसे पहले ऐसा एक बना लेना है जिसके अंदर हम इस गुलाब को बहुत ही आसान तरीके से डाल के रख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसको आप कभी भी किसी भी तरीके से डाल के कभी भी इसको आप बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आसान तरीके से बाहर हो जाए ऐसा आपको एक थोड़ा सा पाइप जैसा फैले बना लेना है। और इस चीज़ को अभी आपको जो करना है वो है, हमारे पास जो बड़ा पेपर है, ठीक है, इसके अंदर आपको चिपकाना है। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले आप ऐसे आधा आधा फोल्ड कर लीजिए। ओके, ऐसे आधा, जब आधा हो जाता है तब आपको क्या करना है, आधा करने के बाद आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरीके से। ओके, जस्ट कुछ ऐसे अच्छे तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। और जब अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाएगा तो कुछ टाइम आपको ऐसे पकड़ के रखना है, ऐसे पकड़ के भी रख सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपका मर्जी। तो कुछ टाइम इसको इस तरीके से टाइम दे देना, तो देखेंगे जब इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा ये रोल बन जाता है। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाता है तब हमारा काम बन जाता है। अब आपको करना क्या है, इसको ओपन करना है। ठीक है, देखिए ये इस साइड में ओपन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे यहाँ पर हम इस गोल जो रोल बनाया वहाँ पर हम इसको चिपकाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो चुका है। और इस तरीके से ग्लू लगाने के बाद आपको करना क्या है, आपको 5 से 10 मिनट रख देना है, और जब अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो आपको करना क्या है, इस कागज को फिर से आपको हाफ ऑफ कर लेना है,
और हाफ अप करने के बाद जिधर हमने ये पाइप जैसा इस चीज़ को लगाया है उस साइड से आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड फोल्ड करके आपको अच्छे तरीके से इस तरीके से करने के बाद दो रबर बैंड लगा के आपको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और तब बनेगा आपका बिल्कुल रेडी। और अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे मैजिक शॉप के द्वारा भी इस मैजिक आइटम को बाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको और ये पेपर नहीं दिया जाता, इससे भी बढ़िया पेपर आपको दिया जाता है, अच्छा क्वालिटी का आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फिनिशिंग बहुत बढ़िया होता है। और भी बहुत सारा आइटम हमारे मैजिक शॉप के द्वारा आइटम मंगा सकते हैं। अगर आपको मंगाना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे मैजिक शॉप के द्वारा आप आइटम खरीद सकते हैं। बट ये जो नंबर है ये मेरा नंबर नहीं है, ये दुकान का नंबर है, ये याद रखना, फिर कॉन्टेक्ट करना सामान के लिए, ठीक है। तो चलिए आप करना क्या है, आप देखिए इस तरीके से जब हो जाएगा 10-15 मिनट के लिए तब हम क्या करेंगे ना, गुलाब को हम इस जो हमारा पाइप जैसा बनाया था उसके अंदर हम डाल देंगे। तो अभी हमारा ये जो है मैजिक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी हम दिखाते हैं कि आपको इसको दिखाना कैसे। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है, चाहे तो आप राइट लेफ्ट आपकी मर्जी के हिसाब से आप करेंगे। तो कुछ इस तरीके से लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो अंदर वाला हिस्सा का कागज़ है ये इस हाथ में लेना है और इसको इस हाथ में लेना है। जब आप इसको बना लेंगे या इसको मंगा लेंगे तब जब आप दो एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें करना है, यानी कि किस तरीके से पकड़ना है। और इसे पकड़ने के बाद आपको सबसे पहले इस तरीके से ओपन करना है, ओके। तो इस तरीके से स्ट्रेट पकड़ना है और स्ट्रेट आपको ओपन करना है, ऐसा ना हो जाए, ऐसे हो जाने से ये दिख जाएगा और पीछे से रहता है ये। और फिर आपको जो करना है वो है थोड़ा सा आप ढीला देंगे तो खुद ब खुद ऐसा वो फोल्ड हो जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप खुद ब खुद वो फोल्ड हो रहा है। तो हमें सबसे पहले दिखाना है कि हमारे पास एक पेपर रोल है, ठीक है। इस तरीके से आप घुमा कर पहले दिखा दीजिए और दिखाने के बाद आपको जैसे करना है आपको ऐसे ओपन करना है, दिखाना है कुछ भी नहीं है। चाहे तो आप किसी को पकड़ने के बाद यहाँ पर आप मैजिक ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने ड्रॉ करके दिखाते हैं गुलाब और फिर हमने फूल को निकाल के दिखाया, यानी कि गुलाब को निकाल के दिखाया। वैसे आप यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं और ड्रॉ करने के बाद आप फिर से इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद मैजिक थोड़ा सा मूव करके दिखा दीजिए और फिर अंदर में हाथ डालने के बाद आप गुलाब को इस तरीके से निकाल के दिखा दीजिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक है, आप जिसको भी दिखाएंगे वो बिल्कुल खुश हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक है। प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। आप अपने दोस्त वगैरह के साथ तो दिखा सकते ही सकते हैं बट आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी दिखा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार मैजिक है। तो आशा करते हैं गाइस कि आपको ये मैजिक ट्रिक्स बहुत पसंद आया होगा क्योंकि है बहुत ही कमाल का मैजिक। और सबसे ज़्यादा जिन लोगों को पसंद आया होगा वो है किसी का जिसका बॉयफ्रेंड है या जिसका गर्लफ्रेंड है। तो आशा करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, तो फटाफट मुझे लाइक ज़रूर करना क्योंकि आप लोग बहुत लाइक कम करते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट पे भी बताना कि आपको ये ट्रिक्स कैसा लगा और ऐसा मैजिक आप सीखना चाहते हैं या नहीं। और गाइस अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पर तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जगह जरूर चेकआउट कर लेना। चलिए यहाँ पर वीडियो को खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।